मध्य प्रदेश सरकार 3,73,000 करोड़ के कर्ज में डूबी है और अब इस कर्ज से उबरने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार देश के दूसरे राज्यों में मौजूद मध्य प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की प्रॉपर्टी बेचने और किराए पर देने की तैयारी कर रही है। फिनेंस डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को लेटर लिखकर जानकारी मांगी है। लेटर में पूछा गया है कि किस राज्य में कितनी प्रॉपर्टी किस रूप में है और उसकी कीमत क्या है। अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी तरह का विवाद है, तो इसकी भी जानकारी मांगी है। इसका मकसद मध्य प्रदेश के बाहर मौजूद अलग अलग विभागों की संपत्ति का आंकड़ा जुटाना है ताकि उसे बेचा या किराए पर दिया जा सके और धनराशि जुटाई जा सके। इसी के चलते बजट की तैयारियों में जुटे वित्त विभाग ने प्रदेश के बाहर चल अचल संपत्ति के रूप में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा सभी विभागों से मांगा है। इसमें संपत्ति के मौजूदा रूप के बारे में जानकारी देने के साथ उसकी कीमत की जानकारी भी चाही गई है। फिनेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लेटर में कहा, प्रदेश के बाहर मौजूदा संपत्तियों की समीक्षा जल्द मुख्य सचिव वीडा राणा करेंगी, इसलिए विभाग प्रमुख राज्य के बाहर स्थित संपत्तियों और उनके रख रखाव की जानकारी 22 मई तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की बात लिखी है। वित्त विभाग के निर्देश के बाद अब विभाग प्रमुख प्रदेश के बाहर मौजूद प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड तैयार कराने में जुट गए हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों से संबंधित संपत्ति 10 से 12 राज्यों में है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग से है। ये प्रॉपर्टी गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया के राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में है। प्रदेश में मौजूदा धार्मिक संस्थानों के अधीन ये प्रॉपर्टी है, जिसमें कई मसलों पर कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। इसके साथ रजवाड़ों के दौर में राजाओं के अधीन रहने वाली संपत्ति जो अब सरकारी हो चुकी है, वो भी दूसरे राज्यों में है। फिनेंस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हर डिपार्टमेंट अपने से जुड़ी उस परिसंपत्ति की जानकारी देगा जो मध्य प्रदेश के बाहर मौजूद है। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों में लगभग 450 संपत्तियां हैं। सबसे ज़्यादा संपत्ति मुंबई में है। 365 एकड़ ज़मीन मुंबई के ठाणे में है। इसमें से 90 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट्स ने अधिग्रहित कर ली है। अब आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों में 1,00,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इसमें से अकेले 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति केवल मुंबई में है। इसके अलावा 550 एकड़ ज़मीन केरल के वायनाड में है। यहाँ कॉफ़ी की खेती होती है। इसके मालिकाना हक को लेकर केरल और मध्य प्रदेश के बीच विवाद था, लेकिन अब बातचीत के बाद समझौता कर सुलझा लिया गया है। मध्य प्रदेश की ओर से 1950 से इस ज़मीन को लीज पर दिया जाता रहा, जिस पर लीज धारक ने कब्जा जमा लिया था। 1977 में शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हक में फैसला दिया। नागपुर और झांसी में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की ज़मीनें हैं। नागपुर में 3 एकड़ की कीमत 150 करोड़ रुपए लगाई गई है, जबकि झांसी की ज़मीन पर कब्जा है। अब एक बार नज़र डालते हैं कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश पर। चुनावी घोषणाओं और मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चक्कर में मध्य प्रदेश कर्ज में इतना डूबा कि नई सरकार का स्वागत खाली खजाने से हुआ। साल दर साल यह कर्ज बढ़ता ही गया है। 2020 में प्रदेश पर कुल कर्ज था 2,20,000 करोड़ रुपए, 2022 में 2,83,000 करोड़ रुपए कर्ज था और 2023-24 में ये बढ़कर 3,73,000 करोड़ रुपए हो गया। 2013-14 में हर व्यक्ति पर यानी एक इंसान पर 10,896 रुपए का कर्ज था। 2016 में हर व्यक्ति पर 13,853 रुपए का कर्ज था। 2017 में 21,000 हो गया और आज की तारीख में प्रदेश में हर व्यक्ति यानी हर इंसान पर 47,000 रुपए का कर्ज है। पिछले साल आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंस रही हैं। मध्य प्रदेश में मिनरल नेचुरल रिसोर्सेस प्रचुर मात्रा में है। देश के फॉरेस्ट कवर का कुल 12% हिस्सा मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में गिना जाता है। मध्य प्रदेश की एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की जगह लगातार लिए जा रहे इस कर्ज के कारण राज्य की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है और अब तो मध्य प्रदेश की ज़मीनें, मध्य प्रदेश की संपत्ति को बेचने की कोशिश भी की जा रही है।